नमस्ते दोस्तों, आज हम FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आपको FNAC के बारे में बताऊंगा। जब हमारे शरीर में कोई गांठ या सूजन आ जाती है, किस कारण से हुई है, डॉक्टर आपको FNAC करने की सलाह दे सकता है। इस टेस्ट में एक फाइन नीडल के माध्यम से कुछ कोशिकाओं को ट्यूमर से एस्पिरेट किया जाता है। अगर गले में या स्तन में या पेट में या शरीर के और कहीं अंग में कोई गांठ हो या सूजन हो तो उसकी यह जांच की जाती है। FNAC करने से कैंसर हो सकता है या कैंसर होगा तो फैल जाएगा? बिल्कुल नहीं, यह हमारी भूल धारणा है। FNAC करने से हमें यह पता चलेगा कि वह गांठ किस कारण से है, इन्फेक्शन, टीबी या ट्यूमर और कैंसर। और अगर हम सही स्टेज में ट्यूमर या कैंसर को डिटेक्ट कर ले तो उसका इलाज संभव है। FNAC करने में दर्द होता है? नहीं, एक पतली नीडल के प्रिक जितना दर्द होता है। यह प्रोसीजर ओपीडी बेसिस में किया जाता है। अगर गांठ फील हो रही हो तो पैथोलॉजिस्ट डायरेक्टली उसमें से नीडल से एस्पिरेट कर सकते हैं। अगर गांठ फील नहीं हो रही हो, शरीर के भीतरी अंगों में हो, तो USG या CT गाइडेड FNAC किया जाता है। नॉर्मली इसकी रिपोर्ट 4 से 5 दिनों में आ जाती है। कोई भी अच्छी लेबोरेटरी में यह टेस्ट किया जा सकता है। आपको इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। You can write to us. Feel free to ask questions. Namaste.